भोपाल से बीना की ओर जा रही झेलम एक्सप्रेस में अज्ञात महिला का शव मिला। विदिशा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा शव को उतारा गया। रेलवे प्रबंधन और जीआरपी के बीच शव को ट्रेन से उतारने को लेकर हुई बहस की वजह से आधा घंटा ट्रेन लेट हुई। रविवार को पुणे से चलकर जम्मू कटरा की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस जब विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी, पुलिस कंट्रोल रूम को इस ट्रेन के S1 बोगी के नजदीक एक अज्ञात महिला के शव होने की सूचना मिली थी। जीआरपी विदिशा द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन पर शव को उतारने की प्रक्रिया की गई, लेकिन शव उतारने के दौरान रेलवे प्रबंधन द्वारा सहयोग न करने के चलते जीआरपी और रेलवे प्रबंधन के बीच जमकर बहस हुई, जिसके चलते करीब आधा घंटा तक झेलम रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। सफाई कर्मचारियों द्वारा शव उठाए जाने से मना करने पर यह स्थिति बनी। हालांकि बाद में भोपाल डीआरएम को सूचना देने के बाद और उनके हस्तक्षेप के बाद शव को ट्रेन से उतारा गया। जीआरपी विदिशा के प्रधान आरक्षक इंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जीआरपी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन रेलवे प्रबंधन और उनके सफाई कर्मचारी यहां तक कि सुपरवाइजर भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते यह स्थिति बनी। तब डेड बॉडी को हमने उनको बुलवाया, कॉल साहब की ड्यूटी वहां है हॉस्पिटल में जो महिला खत्म हुई थी। जब हमारे यहाँ कोई नहीं था तब हमने अपने वहां से कर्मचारियों को बुलवाया कि सफाई कर्मचारी यदि नहीं उठा रहा तो चलो वहां अपन उठवाते हैं। ऑपरेशन देने होता साहब, यदि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं आप भी तो हमें कोऑपरेट करो। हम रेलवे में हम क्यों डेपुटेशन पे आए इसके लिए कि हम डेड बॉडी उठाएंगे साहब। हम अपनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, आप भी तो थोड़ी मदद करो। आप सफाई कर्मचारी तो पॉइंट्समैन नहीं थे क्या आपके? हम यदि जंगल में होती तो हम ही डेड बॉडी कंधे पर रख के लाते हैं। स्टेशन पे जब आपके इतने कर्मचारी हैं फिर हम डेड बॉडी उठाएंगे शोभा नहीं देता। यदि जय कहीं जंगल में बेतवा पे होती तो हम डेड बॉडी कंधे पे भी रख के ले आते। भैया जी आप लोकेशन कहाँ है? आपका मतलब ये है कि डेड बॉडी हम गाड़ी यहाँ थाने लाना। भैया आप स्टेशन मास्टर हो, हमें यदि रेलवे में नौकरी करना तो हम डेड बॉडी उठाएंगे। कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि झेलम एक्सप्रेस में एक महिला अचेत अवस्था में पड़ी है, AC और S1 के बीच में गिर रही है। सूचना पे मेमो भी आया TSS का। हम प्रधान आरक्षक 507 इंद्र कुमार श्रीवास्तव, आरक्षक वीरेंद्र यादव को लेके झेलम अटेंड की, देखा वहाँ महिला अच्छी अवस्था में पड़ी थी। सफाई कर्मचारियों को बुलवाया, सफाई कर्मचारियों ने उसको देखा। देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद महिला गत हो गई, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं उतारेंगे। उनका जो सुपरवाइजर था उसको बताया, SS साहब का नंबर था, उनको हमने फ़ोन किया, DY SS को बताया, उन लोगों ने बोला, लेकिन वो फिर भी उतारने को तैयार नहीं थे। पब्लिक वालों को बुलवा के हमारे यहाँ थाने पे ASI कॉल साहब थे, उनको बुलवाया और उसको महिला को बुलवा के थाने लाए हैं। उसकी पंचनामा कार्रवाई के बाद हॉस्पिटल में महिला की मौत कहाँ पर हो गई थी कुछ पता चल पाया कहाँ से? कोई जानकारी नहीं है। झेलम एक्सप्रेस में कहाँ से वो बैठी है, कहाँ वो अचेत हुई है, कहाँ वो, कोई जानकारी। इसी बात को देखा जाए झेलम लेट हुई है काफ़ी देर तक, डेड बॉडी न उतरने के कारण डेट हो गई थी। आपने किस किस को फोन लगाया और फिर भी आपको? हमने SS साहब को फोन लगाया, दीक्षित जी को, काफ़ी कोशिश की। वहाँ जो सफाई कर्मचारी थे, वहाँ का जो उनका सुपरवाइजर था उसको बताया, फिर TSS को बताया। जब वो नहीं सुना किसी ने, फिर DRM साहब को हमने फोन लगाया, उनको बताया कि सीमान ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या करना है। उसके बाद उतरवा दी। इसके बाद उतरवा दी। लगभग कितनी देर झेलम खड़ी हुई? 20-25 मिनट गाड़ी खड़ी रही। इससे चल